प्रधान जी राम राम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और प्रधान जी आप प्रधान जी नहीं कहा करें, आप मेरे से बुजुर्ग हैं, हैं? मेरे को सब कौमी पंडित क्या करें। और ये तो प्रधान जी शुरू से कहते रहे हो, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, आज भी मैं प्रधान कह रहा हूँ। प्रधान जी का आप कुछ बातें आज आपसे बात करने आए, दिल कर रहा मेरा खुल के आपसे इंटरव्यू लूं और तीखी तीखी बातें पूछूं आपसे। तीखी समझना या मीठी समझना, आज मेरा बहुत वर्षों से दिल कर रहा है, बहुत वर्षों से देख रहा हूँ पंडित जी। प्रधान जी अच्छा लग रहा है आपको? मेरी बात सुनो, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप सिर्फ मेरे को पंडित जी बोले या उमी पंडित बोले, क्योंकि आप मेरे सम्मानीय हैं। तो मैं तो आपके सामने यहाँ बाजार में बच्चा ही आया था। कितने साल हो गए? मेरे को 46 साल हो गए, 40 साल हो गए, और मेरे को 53 साल हो गए। हाँ, मैं सन 72 में आया था। आप 72 में आया, मैं 68 में आया था। हाँ, बराबर चल रहा है। और आपकी जो मैं पूछने का मतलब है कि मैं देख रहा हूँ कम से कम 20 बार तो आप प्रधानी सीट पे रहे, उसमें दलाली उसमें एसोसिएशन में 20 साल से प्रधान है, ऐसा है। और कितनी बार महामंत्री रहे, 7 बार 8 बार, और वो प्रधान भी रहे। ये क्या कारण है, क्या खास बात आप में, इतने मोटे ताजे भी नहीं। हाँ, आदरणीय कुछ नहीं है, महावीर प्रसाद जी भाई जो को याद करूं तो कह सकता हूँ उनकी पर्सनलिटी थी, निकलते भाई के लाल बाजार में आज कोई नहीं दिखाई देता। ऐसे आप नहीं हो, ऐसे भी आप में नहीं है, बाप का नाम। मैं बहुत तीखी बात पूछ रहा हूँ, फिर क्या कारण था आप में, इतने साल प्रधान रहे, इतने साल उप प्रधान रहे, महामंत्री रहे, गिनती भी करूं तो पूरी गिनती आएगी नहीं, क्या कारण है इसका? ऐसा क्या राज है? और राज की बात बताइए। ऐसा है बजरंग बली जी, धन्यवाद, आपसे माफी चाहूंगा, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। मैं सन 72 में ही आया था, बराबर है। मैंने दलाली का कार्य किया यहाँ पे, और दलाल गल्ला कमेटी का, दलाल गल्ला कमेटी का सन 77 में कार्यकारी सदस्य बना। सर 77 में? सन 77 में कार्यकारी सदस्य बना। उसके बाद में सन 88 में उप प्रधान बना, उस टाइम रामानंद जी प्रधान थे, धर्मवीर शर्मा महामंत्री थे, बराबर है। उसके बाद मैं बीच में थोड़ा गैप आया उसके अंदर, और फिर उसके बाद मैं महामंत्री बना, मतलब 6 साल महामंत्री रहा मैं, 6 साल। उसके बाद सन 2001-2 में मैं प्रधान बना, लगातार 16 साल प्रधानी में। हाँ, लगातार 4 बार में। तो प्रधान जी अब बताओ ये क्या कारण था कि 16 साल टिके रहे? ये बाजार में मेरे को बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाइयों का प्यार बहुत मिला, बहुत अच्छा। उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उनका आशीर्वाद और प्यार अब भी मुझे मिलता है। मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ा, बहुत अच्छी बात, नहीं लड़े, क्योंकि मैं चाहता था कि नई पीढ़ी आ गया है। बहुत बढ़िया, मेरा ध्येय था कि नई पीढ़ी आ गया है और इस काम को संभाले। मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि ये नई पीढ़ी अच्छा काम करे और मैं उनका पूरा साथ दूंगा, ठीक है। वो बाजार की भलाई के लिए, व्यापार की भलाई के लिए, व्यापार के उत्थान के लिए जो भी संस्था नए बाजार में कार्य करेगी, मैं उसका कंधे से कंधा मिला के साथ दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक आपने जो ये अपना बताइए, ये राज क्या था, क्या कारण था कि ये इतनी बार, क्या और नहीं थे क्या दला गला कमेटी में, और भी होंगे बहुत, ऐसी बात नहीं है। आपके आने कारण क्या रहा, क्या राज रहा, क्या क्या काम किया आपने, ऐसी बात थी। सन 88 में रामानंद जी के साथ हमने प्याऊ का निर्माण करवाया, नए बाजार के दलाल ये जो अपने सूर्य ट्रेनिंग के बाहर है उसका निर्माण करवाया। उसके बाद महामंत्री काल में मैंने ये खैराती वानी के बाहर प्याऊ है इसका निर्माण करवाया भाइयों के सहयोग से, पूरे नए बाजार के सहयोग से। केपी ट्रेडर्स के बाहर प्याऊ है महामंत्री काल में उसका मैंने वो भाइयों के सहयोग से, पूरे बाजार के सहयोग से उसका उन्होंने निर्माण करवाया। उसके बाद प्रधान कार्यकाल में अपने गली के अंदर ग्रेन मचेट के पीछे एक प्या हुआ है उसका मैंने प्रधान कार्यकाल में उसका भाइयों के सहयोग से, पूरे नए बाजार के सहयोग से उसका कार्य किया, ठीक है। और बीच में आपको पता भी होगा, ज्ञात होगा, आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे एक शराब का ठेका बिल्कुल खुल गया था। बड़ा ये बाजार के लिए बड़ा हानिकारक था, ये बच्चों को बर्बाद करने का था, नए बाजार को बर्बाद करने का था, बर्बाद करने का था। इसका बीड़ा हमने दिल्ली ग्रे मर्चेंट के साथ और नए बाजार के
पूरे लोगों के साथ हमने इकट्ठा होके यहाँ मंच लगवाया, धरना दिया उसके आगे। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा सहयोग से, नए बाजार के पूरे सहयोग से वो 7-8 दिन हमारा धरना चला और वो ठेका शराब का यहाँ से बंद हुआ दिल्ली के अंदर। पहली बार हुआ जी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उसमें सबका सहयोग था, दलाल गल्ला कमेटी में कमेटी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सारे दलाल भाइयों लिया, पूरे बाजार में दुकानदार मिल वाले जितने भी अपने नंबरदार सब थे, उन्होंने सहयोग दिया। और मेरे समझ में ऐसा धरना कभी चला नहीं होगा दिल्ली के अंदर। बिल्कुल ऐसा हुआ नहीं है। शराब की दुकान खुल जाए और बंद हो जाए, दुकान शराब की दुकान खुलने के बाद बंद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। ये नए बाजार की जीत थी, प्रधान जी एक तो पूरे व्यापार की जीत थी। और एसोसिएशन के लिए क्या करा आपने? एसोसिएशन के लिए आप खुद देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। हमने बात सुनो, हमारे पास पहले एक ऑफिस था लाल महल के ऊपर, वो हमारे पे वैसे आया हुआ था, उसके बाद हमने एक अपना दलाल गल्ला कमेटी का परमानेंट ऑफिस लिया, उसको बनवाया, एक तख्त भी लगाया था हमारे, एक तख्त हमारा पीछे रखा हुआ है, अभी रखा हुआ है। उसके बाद लिया आपने? हाँ, उसके बाद हमने वो अपना परमानेंट ऑफिस लिया, उसको दोबारा से बनवाया। वहाँ कम से कम हमारे कार्यकारिणी के 50-51 लोग बैठ सकते हैं उसके अंदर, बहुत अच्छा, और बाहर ना 100-200 लोग भी बैठ सकते हैं उसके अंदर, इतना बड़ा ऑफिस है। कि हमारे दलाल गल्ला कमेटी के सभी सदस्यों के लिए वो गर्व की बात है कि हमारा ऑफिस हो गया। हमारी सन ये समझ लो 1935 से संस्था है दलाल गल्ला कमेटी, 1935 से संस्था है, बहुत। उसके बाद हमारा ये सन, ये हमारा ऑफिस 1977 में आप आएंगे, ये भी 7-8 साल पहले मैंने सबके सहयोग से, सभी दलाल भाइयों के सहयोग से, सभी दलाल भाइयों का उसमें पैसा लगा हुआ है कि हमने एक रुपया लिया, 11 रुपया लिया, 21,000 लिया, कुछ भी लिया, निकला तो XYZ सभी मेरे दलाल निकला आपके प्रधानी काल में, सभी दलाल भाइयों का उसमें पूरा योगदान है। वह हर दलाल भाई वहाँ के आराम से बैठ सकता है, वह पानी की मशीन लगी हुई है, सब सुविधाएं हैं वहाँ से, बहुत सुंदर व्यवस्था करी प्रधान जी, बहुत। आपने तो अब जो कमेटी आई है, इसी पर क्या आप सोच रहे हो कमेटी के बारे में, क्या ये जैसा आपका मार्गदर्शन है उस हिसाब से छोड़ पाएंगे या आगे कुछ कर पाएंगे? आपने बहुत कुछ कर दिया। मैं चाहता हूँ जो नए मेरे पदाधिकारी, नए प्रधान वगैरह सब, पूरी कमेटी आई कि वो दलालों के लिए बढ़िया काम करे और बाजार के लिए बढ़िया काम करे, वो सबको साथ लेके चले। मेरा तो ये उनको शुभकामना ही है, बहुत धन्यवाद है कि बढ़िया काम करें। और ये डायरेक्ट बारे प्रधान जी, हाँ, और मेरे कार्यकाल में एक चीज खास हुई जब मैं प्रधान बना, पहले यहाँ पे हमारे यहाँ रागनी होया करती थी, खाटू श्याम जोड़ी है, चाचा रागनी हुआ करती थी, उसके बाद हमने खाटू श्याम बाबा का कीर्तन चालू करा। ये कितने साल से चल रहा है? ये 15 साल हो गए जी, 15-16 साल लगातार चला है ये परंपरा। अच्छा, बाबा के दर्शन करने आते हैं लोग। तो ये कब तक रहा? भी जैसा भी ये आया नहीं, कार्यकारिणी आई है, हाँ, इसके बाद शायद ये भी करेंगे। ये कब करते हैं आपको? ये होली से पहले होता है, होली से पहले, हाँ, अभी मौका है इनको करने का, इधर करना चाहो तो करना शुरू करेंगे, इनका मैंने पता किया था। अच्छा, इनका अच्छा है कि हम बाबा खाटू श्याम बात कर, मैंने सुना भी है कि शायद वो बाजार के अंदर ही करें, अंदर करेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया है। ये 15 साल से खाटू श्याम जी जो रागनी से लाकर के कहा, 15 साल लगातार कंटिन्यू खाटू श्याम बाबा का, ये कहकर के प्रधान जी आपने वाक्य में ये सिद्ध कर दिया। अब मुझे तसल्ली हुई कि आपने बहुत कुछ, हालांकि देखा मैंने शुरू से आपको है, कार्य करते भी देखा है, पर ये क्या राज है, ये राज आज समझ में आया कि इतनी बड़ी भारी आपने उपलब्धि प्राप्त की। देखो, मैं तो ये कहता हूँ, जो भी व्यक्ति बाजार के हित में, समाज के हित में, व्यापार के हित में जो भी कार्य करेगा, जो भी एसोसिएशन कार्य करेगी, 3-4 एसोसिएशन हमारी यहाँ पे, हम उनका तहे दिल से कंधे से कंधे मिला साथ देंगे। चाहे रात को हमें कोई 2 बजे भी कहेगा ना कि उठ के आना है, ऐसे जाते हो आप? हाँ, रात को 2 बजे कोई कहेगा ना हमें उठ के आना है, सुना है मैंने, हम भी आने को तैयार है, काम करने को तैयार मिलेंगे, बाजार के हित के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बाजार का पूरा प्यार आपके प्रति है। देखो, दलालों का तो है ही, लेकिन पूरे बाजार का हित, आपके साथ है जुड़ा, 24 घंटे किसी का भी फोन आएगा हम तक पर वही खड़े मिलेंगे उसके साथ।
अब आइडेंटिटी के बारे में क्या है बताइए, अब जो आइडेंटिटी असुरा के साथ ला रहा हूँ वो असुरा संभालेगा इसको, कि मैंने तो बहुत मेरी बात सुन लो, मैंने भी बारे में आपका नए बाजार के हित में बहुत बड़ा योगदान है आपका। धन्यवाद प्रधान जी, शुरू से आप इसमें लगे हुए, पूरे आपने व्यापार को जोड़ा है, आदमी से आदमी, दुकानदार से दुकानदार, सबको आपने एक साथ लेकर जोड़ा है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ये आप आगे बढ़ाइए ई डायरेक्टरी को, ये पूरी आपकी समझ लो ये कंप्यूटर पे क्या कहीं भी देख सकते हो, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, सब जगह हो जाएगी। आप इसमें करिए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो व्यापार के लिए आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सबको मिलके लेके चल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद।